आपने देखा राज्य सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा किया गया और यहां से कई नई योजनाओं का भी शुरुआत किया गया जिसमें लाभुकों को काफी लाभ मिला। जैसे कि यहां किसानों का 50,000 तक का लोन माफ कर दिया गया और हर एक झारखंड के हर एक जिले में CBSE पैटर्न के स्कूल खोलने की भी बात की। आइए हम इस पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक साल अबुआ राज बेमिसाल। झारखंड की हेमंत सरकार ने अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस यादगार मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को एक पर एक कई तोहफे दिए। रांची के मोराबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान किसानों के 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने 511 लोगों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इससे पूर्व महागठबंधन की सरकार के सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य विभागों के मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भव्य एवं परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ उनके पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य सीबू सोरेन मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी RPN सिंह ने समारोह में बतौर वशिष्ठ अतिथि शिरकत किया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। भोक्ता ने कहा कि 2021 रोजगार का वर्ष होगा, विकास का वर्ष होगा, युवाओं का वर्ष होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत ऑनलाइन की।